हेलो दोस्तों, 3 महीने का शिशु कितना बड़ा होता है? गर्भ के 3रे महीने तक शिशु का वजन कितना होता है और शिशु की लंबाई कितनी होती है? हर एक प्रेग्नेंट महिला के मन में ये बात चलती रहता है कि 3रे महीने में उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उनके कौन कौन से अंगों का विकास हो रहा है और कौन कौन से अंग बन गए होंगे, और 3रे महीने गर्भवती महिला को क्या क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। गर्भ के 3रे महीने तक शिशु का विकास तेजी से होता है और गर्भावस्था में काफी परिवर्तन होता है। 3रे महीने में शिशु की लंबाई लगभग 3.5 से 4 इंच के बीच होती है और गर्भ में शिशु का वजन लगभग 45 से 60 ग्राम के बीच होता है। ये डिपेंड करता है आपकी गर्भावस्था कितना स्वस्थ है, आप कितने स्वस्थ हैं, आप अपना ध्यान किस तरीके से रख रही हैं, आपका खान पान कैसा है, इसी से आपके शिशु का विकास सुनिश्चित होगा। इस समय शिशु के शरीर के अंगों का विकास भी तेजी से होता है। उसके हाथ, पैर, उंगलियां, आंख, कान, नाक, गला, हड्डियां और अन्य शरीर के अंग विकसित हो रहे होते हैं। ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टरी सलाह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना रूटीन आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेजर अंग होते हैं उसका विकास यहीं से शुरू हो जाता है। तो हेल्दी बेबी के लिए आपको ज़रूर अपना ध्यान रखना होगा। यदि आपकी गर्भावस्था के दौरान 3रे महीने किसी विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा उल्टी हो रही है, ज़्यादा खांसी होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या आपके प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बदबू आ रही है, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वे आपकी गर्भावस्था का मॉनिटरिंग करेंगे और आपको सही और सुरक्षित सलाह देंगे। 3रा महीना बहुत कॉम्प्लिकेशंस का होता है दोस्तों, आपको अपने गर्भ का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इस समय 3रा महीना अगर आपका निकल जाता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3रा महीना काफ़ी क्रूशियल होता है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है, चाहे खान पान का हो, रूटीन का हो या डॉक्टरी इलाज का हो। कोई भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, ना लापरवाह बनना है। मैं आशा करती हूँ अपना ध्यान जरूर रखेंगी ताकि गर्भ का विकास सुनिश्चित हो सके, अच्छे से विकास हो, शिशु के अंगों का विकास समुचित तरीके से हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।